हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 9.2। स्टूडेंट, ये आपकी जो एफ ए टू है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। जो एफ ए टू में कोर्स आएगा आपका वो 9.2 और इसका चेक योरसेल्फ तक ही आएगा। ठीक है जी, तो हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एस्टीमेट द फ्लोइंग प्रोडक्ट नियरेस्ट 100। स्टूडेंट, पहले आपको इन्हें नियरेस्ट 100 में चेंज करना, उसके बाद में इनका प्रोडक्ट, इनका जो आंसर है वो आपको देना है। स्टूडेंट, आपने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको एस्टीमेट सिखाया था, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, 10,000, लैक, तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्टूडेंट सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपसे नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10 या एस्टीमेट नहीं आता तो आप इन क्वेश्चनों को, इस एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, वैसे हम इसमें भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर वो आप वीडियो देखें तो उसमें ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। ठीक है जी, सबसे पहले आप वही वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी डिजिट का नियरेस्ट 100 निकालते हैं तो 100 से पहले जो भी प्लेस होती है उस पर देखते हैं क्या डिजिट लिखी होती है। देखिए स्टूडेंट, जैसे ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है ना, तो ये नियरेस्ट 100 कह रहा है, तो ये 100 यहाँ है, तो 100 से पहले क्या है जी, 10s डिजिट पर देखेंगे। अगर 10 डिजिट पर 0, 1, 2, 3, 4 हो, ठीक है जी, अगर इनमें से कोई एक डिजिट है तो हम 100 प्लेस पर, यानी कि अगले वाली जो प्लेस वैल्यू है उसमें 1 प्लस नहीं करते। अगर इस डिजिट पे 5, 6, 7, 8, 9 है तो स्टूडेंट इसके इन सबका हम 1 मान लेते हैं, और 1 मान के जो इस प्लेस, जो भी प्लेस पे कहता है उस प्लेस पे 1 प्लस कर देते हैं, यानी कि हमने 10 प्लेस पे देखा तो 100 प्लेस पे हम 1 प्लस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, और जो 1s 10s वाली डिजिट होगी वे 0 में चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, तो देखिए 100 प्लेस पे क्या है, ये इसने कहा नियरेस्ट 100 है, तो हम 10 प्लेस पर देखेंगे, 10 प्लेस पर 3 है, 1 से 4 के बीच है, तो अगर नेक्स्ट प्लेस में हमारा कुछ भी ऐड नहीं होगा तो ये 1 रह जाएगा और 1s 10s वाली जो डिजिट है वे 0 में चेंज हो जाएंगी। अब इसमें भी ये 1s है, ये 10 है, ये 100 है, तो 10 प्लेस पर देखेंगे 1 है, 1 से 0 से 4 के बीच है, तो नेक्स्ट प्लेस में कुछ भी प्लस नहीं होने का और ये 2 0 में प्लेस हो जाएगी। अगर 100 कह रहा तो 2 0 आती है आंसर में 1s 10s वाली, और 10 कह रहा तो 1 0 आती है स्टूडेंट, और 1000 कह रहा तो 3 0 आती है। अब देखिए इसका आंसर कर लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर लीजिए, 1 1 जा 1, अब 2 0 ये हैं जी, 2 0 ये हैं, तो इन्हें आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है जी, 2 0 ही होगी, 2 0 ही होगी, 4 0 हो गई, और ये स्टूडेंट आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर नीचे रख के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लंबा होता है और गलती होने की संभावना रहती है ना, और लेकिन अगर आप इस शॉर्ट मेथड से करेंगे तो गलती तो होने के चांस है ही नहीं। ओके स्टूडेंट, और आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब ये देख लीजिए, 1s 10s 100, तो 100 कह रहा तो सब में 10 प्लेस पे ही देखेंगे, सब में 10 प्लेस पे ही देखेंगे, ये हमारे 10 प्लेस है। ठीक है, ये हमारी 10 प्लेस है, इस पर देखना क्या डिजिट है, 0 से 4 है या 5 से 9 है। 0 से 4 है तो नेक्स्ट प्लेस पे कुछ भी ऐड नहीं होने का, अगर 5 से 9 है तो नेक्स्ट प्लेस पे 1 ऐड होता है। देखिए 8 है यहाँ पर,
एट है तो जो 100 प्लेस है इस पर 1 ऐड हो जाएगा, 2 है तो 1 3 हो जाएगा यहाँ। और इसमें भी वंस टेंस वाली जो प्लेस हो, डिजिट होगी वे सब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसमें 2 है तो आगे ऐड नहीं होने का, दोनों संख्या 0 तो होंगी। अब देखिए 3 1 3 20 ये है, 20 ये है, लिख दीजिए और आंसर आपका आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 9 है 10 प्लेस पे, तो नेक्स्ट प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे, 7 है तो 8 हो जाएगा। वंस टेंस वाली जो डिजिट है वे 0 में चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे 1 है तो आगे ऐड नहीं होने का, तो 3 का 3 रह जाएगा, 3 8 जा 24। और 20 ये हैं जी, 2 इसके हैं, 4 0 आप लगा दीजिए, आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ 6 है तो नेक्स्ट प्लेस में जो डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, ये 20 मल्टीप्लाई 0 है, कुछ भी ऐड नहीं होने का, 2 1 जा 2। अब जी 20 इसकी है, 20 इसकी है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, देखो बहुत आसान है, आप इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब 10 प्लेस पे 5 है तो 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा, 1 टेंस दोनों 0 में बदल जाएंगी, 3 है तो ऐड नहीं होने का, 2 का 2 रहेगा। अब 5 2 जा 10 और 20 ये, 20 ये, 5 0 आ जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है जी, हो गया। अभी 10 प्लेस पर 8 है तो 7 में 1 ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा, 0 है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, 8 1 जा 8, 20 ये है जी और 20 ये है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ टू द, तो इसका मतलब है स्टूडेंट इन्हें भी राउंड करना, लेकिन जो आपको नीचे दिया गया है उसके अनुसार राउंड करना, तो इसे नियरेस्ट 10 करना जी, 10 करना। तो वंस प्लेस पर देखते हैं, ये वंस प्लेस है आपकी, ये वंस प्लेस है जी, वंस प्लेस पर देखते हैं क्या डिजिट है जी, 1 है तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट प्लेस है 10, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होने का, है ना, तो अगले वाली में ऐड करते हैं हमेशा, तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं होने का, तो 1 का 1 रहेगा और यहाँ पे वंस प्लेस की 0 हो जाएगी, क्योंकि जो 11 होता है वो 10 के नियरेस्ट है, न कि 20 के। अब जी देखिए वंस प्लेस पे 5 है तो नेक्स्ट प्लेस पे 1 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो जो स्टूडेंट जो 15 है और 10 की बजाय 20 के नियरेस्ट है। ठीक है जी, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, जो ऐसी मल्टीप्लाई है आप इन्हें अगर ऊपर नीचे रखे करें तो ही अच्छा रहेगा, है ना, ऐसा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 0 छोड़ दीजिए इसकी और हो जाएगी, वैसा आसानी तो इसमें रहेगी, देख लीजिए 0 0 0 0 2 2, फिर 1 से करेंगे, 1 से करते हैं तो सेम डिजिट आती है, तो स्टूडेंट ये आंसर आपका आ गया। आप इसे अगर ऐसे ही करते, लंबा मल्टीप्लाई करते तो कैसे करते, दोनों 0 को छोड़ दीजिए, 11 2 जा 22 कैरी 2,
11 टू जा 22, 22 और 2 कैरी थे 24 हो गए, है ना। अब जी एक जीरो या एक जीरो या, तो आप ऐसे जीरो लगा सकते हैं, तो देख सकते हैं आप दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना। तो आप कोई से भी तरीकों को यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो स्टूडेंट जो भी आप तरीका करना चाहें, आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लीजिए, अगर आप मल्टीप्लाई करके करना चाहें मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, एक ही मेथड से करना है, दोनों से नहीं, ठीक है जी। अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ 3 है तो नेक्स्ट में ऐड नहीं होने का, जो 53 होता है वो 50 के नियरेस्ट होता है, नहीं कि 60 के, क्योंकि हम इन्हें नियरेस्ट ऐड निकाल रहे। अब यहाँ 4 है तो 34 30 के नियरेस्ट होता है, ना कि 40 के, ठीक है जी। अब आप इसे ऐसे भी इसे भी कर लीजिए, अब 2 क्रॉस लग जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो सेम की सेम डिजिट आएगी, तो जी ये आंसर आ गया। अगर आप इसे स्टूडेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों जीरो छोड़ दीजिए आप, और 35 या 65 का 5 कैरी 6, और जी 34 जा 52 और 6 58। अब ये 2 जीरो ऐड कर दीजिए, ठीक है। आपकी इच्छा आप कौन से मेथड को यूज करना चाहे, ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब इसी का भी है जी, इसके बी में नियरेस्ट 100 है, नियरेस्ट 100 आप क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, ठीक है जी। सेम उसी प्रकार होगा, देखो 100 के रहा तो 10 प्लेस पर देखेंगे, ठीक है जी। 10 प्लेस पर क्या है जी, 5 है तो 1 मान लिया जाएगा, और नेक्स्ट प्लेस में ऐड कर देंगे 1, 4 है नेक्स्ट प्लेस पर 4 लिखा हुआ है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 है तो ऐड नहीं होनेगा, 0 से अगर 4 तक होता ऐड नहीं होता, और 110 वाली डिजिट 0 में चेंज हो जाएगी, तो इन्हें भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं 5 2 10, और जी 20 इसकी है और 20 इसकी है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। 7 है तो नेक्स्ट प्लेस में जो डिजिट होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, 1 है तो 2 हो जाएगी मल्टी। 8 है तो नेक्स्ट प्लेस में 2 है तो 3 हो जाएगी, अब 3 2 6, 20 इसकी और 20 इसकी, ये भी लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था ये कम्प्लीटली हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है जी, एस्टिमेट द कोशेंट ऑफ द फ्लोइंग डिविजन्स कंपेयर विद द एस्टिमेटेड कोशेंट्स विद इक्वल, यानी कि जो इक्वल कोशेंट आया और जो एस्टिमेटेड करने के बाद क्वेश्चन आया स्टूडेंट, उसे उससे कंपेयर करना है कि उनमें कितना डिफरेंस है नी, बस माइनस नहीं करना, बस वैसे कंपेरिजन करके देखना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है जी।
सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें स्टूडेंट आपको नियरेस्ट नहीं दिया गया, आपको नहीं बताया गया कि आपको नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लास्ट वाली जो डिजिट होता है उससे पहले वाली डिजिट को देखते हैं वहाँ पे क्या है। ठीक है जी, जो लास्ट वाली 7 है तो 7 से पहले क्या है, 8 है, तो 8 को 1 मान के इसमें 7 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 6 है, जो 6 होता है वो 10 के नियरेस्ट होता है ना, तो ये आ गया। अब स्टूडेंट आप इन्हें कर लीजिए सॉल्व, 78 को आप 6 से डिवाइड कीजिए, 6 बन जा 6, माइनस करेंगे 1 रिमाइंडर रहेगा, ब्रिंग डाउन 8 करेंगे 18 हो जाएगा, और 6 3 जा 18, तो जो इसका एक्चुअल आंसर है वो 13 है जी। अब इसका जो राउंड ऑफ करके एस्टीमेट करके आंसर आएगा उसे देख लेते हैं, 80 डिवाइड बाय 10, 10 8 जा 80। तो स्टूडेंट जो एक्चुअल आंसर है इसका वो इसका 13 है जी, और जो एस्टीमेट के बाद आंसर आया वो हमारा 8 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 का डिफरेंस है दोनों में अगर कंपेरिजन करें, है ना, इसी प्रकार आपको ये करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, लास्ट डिजिट से पहले 2 है तो ऐड नहीं होने का, 100 ही रहेगा, जो 100 28 होता है वो 100 के नियरेस्ट है, और जी जो 8 होगा वो 10 के नियरेस्ट होगा, है ना। तो पहले हम एक्चुअल कर लेते हैं, 128 8 से डिवाइड कीजिए, 8 बन जा 8, माइनस कीजिए 12 से 8 गए 4, अब ब्रिंग डाउन कर लेंगे आप 8, और 8 6 जा 48, 8 6 जा क्या आ गया जी 48, जो एक्चुअल आपका आंसर आया वो 16 आ गया। अब एस्टिमेटेड देख लेते हैं, 100 को 10 से करेंगे, 10 बन जा 10, 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 बचेगी, ब्रिंग डाउन 0 करेंगे आप, और टेबल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में 0 ऐड करेंगे, तो जी एक का आंसर 16 आ गया, एक का 10 आ गया। ठीक है जी, तो 6 का डिफरेंस है दोनों के बीच। अब नेक्स्ट देखिए 4 है, तो नेक्स्ट डिजिट में ऐड नहीं होने का तो 100 ही रहेगा, और 7 का 10 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसे एक्चुअल का निकाल लेंगे, इसका डिवाइड करके 7 टू जा 14, 14 में से 14 माइनस करेंगे तो 0 बचेगी आपके पास, 7 को आप ब्रिंग डाउन कर लेंगे तो 7 बन जा 7, तो एक्चुअल आंसर क्या आ गया आपका 21। अब एस्टिमेटेड आंसर देख लीजिए, 10 बन जा 10, ब्रिंग डाउन कर ली 0, 10 में से 10 गए थे 0 बची थी, आंसर में 0 ऐड कर दी तो 21 10 आ गया। ओके जी, अब नेक्स्ट देख लीजिए, 7 है, 7 को 1 मान के 1 में ऐड कर दीजिए, 200 हो गया है, 200 के नियरेस्ट है, और 9 जो होता है वो 10 के नियरेस्ट होता है ना, तो इन्हें ऐड करेंगे 171 को 9 से, 9 बन जा 9 टू जा 18, हमेशा ज़्यादा देख लेना चाहिए, जहाँ भी ज़्यादा हो जाए अधिक हो जाए तो उससे कम चलानी चाहिए, 2 जा 18 अधिक हो जाएंगे 1 जो चलाएंगे तो कितने, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 रह जाएगा, अब
ब्रिंग डाउन कर लेंगे आप 31 होगा, और आप जानते हैं यह 9981 होते हैं, तो जो एक्चुअल आंसर आया वो 19 आया, और जो इसका एस्टिमेटेड आंसर है जी 10 to 20, ब्रिंग डाउन कर ली 0, टेबल अप्लाई नहीं हो रहा तो आंसर में 1 0 ऐड कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर इनकी कंपेरिजन करें तो एक का 19 एक का 20 है आंसर, तो 1 का डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जी इसका। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए एक पैटर्न है, आपको इस पैटर्न को पहचानना है। वैसे जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये इसका नहीं है, ये पैटर्न वाली एक्सरसाइज का है, ये इसने भूलवश इसमें एक्सरसाइज में दे दिया। तो आप क्या करेंगे, इसका एक पैटर्न देखेंगे कि हमने इसमें क्या विधि, कौन सा मेथड यूज हुआ कि भाई जो नेक्स्ट डिजिट आती हुई चली गई। देखिए अब ये 2 है, अगर हम इस 2 को मैं 2 से प्लस करें 4 हो जाएगा, अगर हम 4 को 2 से प्लस करें 8 आ जाएगा, तो अगर हम 4 को 2 से प्लस करें 16 आ जाएगा, अगर हम 16 को 2 से प्लस करें 32 आ जाएगा, 32 को 2 से प्लस करें 64 आ जाएगा, 64 को 2 से प्लस करें तो क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा, अगर हम 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी 256 आ जाएगा, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 512। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सभी जो हमें दिए हुए नंबर है उनमें हमने 2 से मल्टीप्लाई की है ना, तो हमारे आंसर आ गए। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 है 2 में 2 प्लस कर सकते हैं 4 आ जाएगा, आप 4 में 4 प्लस कर सकते हैं 8 आ जाएगा, आप 8 में 8 प्लस कर सकते हैं 16 आ जाएगा, अगर आप 16 में 16 प्लस करें तो 32 आ जाएगा, है ना। तो आप इस प्रकार भी इन्हें कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आप ऐड करके कर लीजिए, ठीक है जी, आपकी इच्छा है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। अब इसमें भी दूसरे वाले में भी सेम यही मेथड है ना, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ गया, 24 की 2 में मल्टीप्लाई करें 48 आ गया, है ना, और 48 की मल्टीप्लाई 2 में करें तो क्या आ गया जी 8 तो जो 1696 आ गया, है ना। अब इसकी भी मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए 6 2 12 कैरी 1 और कितने हो गए जी 9 9 2 18 18 और 1 19। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 2 2 4 और 2 9 18 कैरी 1 2 1 2 और 1 3 384 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए, 2 में मल्टीप्लाई करने का मतलब है डबल करना किसी भी डिजिट को, यानी कि ऐड भी कर सकते हैं, जैसे आपने आपको हमने भी दिखाया था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 8 16 कैरी 1 और 2 3 6 और 1 7 768 आ गया।
तो जी 768 आ गया यहाँ पे। अब इसी प्रकार दूसरा पैटर्न देखेंगे। अब देखिए 29 है, 34 है, अगर हम 34 में से 5 माइनस करेंगे तो 29 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इसमें 5 माइनस हो रहा है, इसमें से 5 माइनस किया ये डिजिट आ गई, इसमें से 5 माइनस किया ये आ गई, इसमें से 5 माइनस किया ये आ गई, और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव ऐड करेंगे जी ये, ठीक है ना। देखो 29 में 5 ऐड करेंगे तो जो भी तो 34 आएगा, 34 में 5 ऐड करेंगे 39 आएगा। तो कहने का मतलब है मंथ्स वाली डिजिट जो है वो हमारी या तो 4 होगी या 9 होगी, ठीक है जी। अब 5 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा, है ना। 5 ऐड करेंगे 59 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे 64 हो जाएगा, और 5 ऐड करेंगे 69 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमने इनमें सब में 5 ऐड किया, आप देख सकते हैं 5 ऐड करके नेक्स्ट नंबर आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए अगर आप 9 है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 27। अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21 कैरी 2 और 3 2 6 और 2 8, तो ये आ गया। फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 3 3 और 3 8 24 डिजिट तो गलत नहीं हो गई, 24 3, ठीक है जी, यही था ये डिजिट यहाँ पे गलत लिखी गई, बुक में 4 ही है यहाँ पर, ओके। तो अब आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 3 4 12 कैरी 1 और 3 2 6 7 7, ठीक है जी। अब आप इन्हें सबको जो भी आंसर आता रहे उन सबको 3 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, ओके स्टूडेंट। देखिए थ्री थ्री जा 9, 3 4 12 कैरी 1 और 3 3 2 6 7 7 ये आ गया। अब 3 9 27 कैरी 2, 3 2 6 7 8 और 3 7 21, तो क्या आ गया, ये आ गया। फिर अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 65 61। आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19683। अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी क्या आ जाएगा, 5 9 0 4 9। देखो 3 3 9 हो ना, आ गया 3 8 24 हो। तो इस प्रकार आप इन्हें करेंगे तो इस प्रकार आपका स्टूडेंट ये पैटर्न था आपका, आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने ये कैसे किया, ओके स्टूडेंट। बस इस एक्सरसाइज जो 9.2 है इसका चेक योर सेल्फ रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है जी। जो एपे 2 का सिलेबस है वो आपका 9.2 के चेक योर सेल्फ तक है, साथ पेज नंबर 69 दिखता है, लगता है कि पेज नंबर 69 पे है चेक योर सेल्फ, ओके स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।